फाइनली रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ के रियाद रेलवे स्टेशन का। Hey guys, good morning and welcome back to my channel। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और स्वागत है आपका RBJ Vlogs में। अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे में और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ रियाद से दमाम के लिए बाय ट्रेन, क्योंकि मैं रियाद में रह रहा हूँ। अब मैं दमाम के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अगर सऊदी अरेबिया में है तो क्यों ना यहाँ से ट्रेन का एक्सपीरियंस भी ले लें। तो आज मैं बाय ट्रेन ही जा रहा हूँ यहाँ से रियाद से दमाम के लिए और 5-10 मिनट में ड्राइवर भी आने वाले हैं, उसके बाद चलेंगे रेलवे स्टेशन। 12:10 पे ट्रेन है यहाँ से। चलो एक्सपीरियंस करते हैं आज रियाद में रियाद से दमाम के लिए ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है और बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। रेगिस्तान बहुत है यहाँ पे, मैंने सुना है रियाद से दमाम में जाते हैं तो रेगिस्तान बहुत है रास्ते में, तो वो भी देखेंगे, अगर देखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। और तो चलो चलते हैं, अभी ड्राइवर 5 मिनट में आने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं और रेलवे स्टेशन है मेरे बैक साइड में, आप देख सकते हो। और ऐसे कुछ ऐसे दिखाता हूँ मैं, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ के रियाद रेलवे स्टेशन का। और इधर पार्किंग है, ये पार्किंग है। अभी टाइम हुआ 12:35 पे मेरी ट्रेन है, अभी आधा घंटा है मेरे पास, तो थोड़ा अंदर एक्सप्लोर करते हैं, अंदर स्टेशन में दिखाता हूँ आपको कैसा है और फिर चेक इन करेंगे और उसके बाद ट्रेन का सफ़र शुरू। चलो चलते हैं अंदर। अभी ये ऊपर लिखा है देखो, सऊदी अरेबिया रियाद रेलवे स्टेशन। तो चलो चलते हैं अंदर, काफ़ी सुंदर है यहाँ से टिकट सेल्स, तो यहाँ पे वेटिंग है और टिकट, आई थिंक आप टिकट काउंटर ये है सामने, तो आई थिंक टिकट आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। मैंने तो ऑनलाइन ले रखी है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लेंगे तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो यहाँ पर आकर। ये रहा टिकट काउंटर सामने। ये सामने कैफ़े, अगर आपको यहाँ से कुछ लेना है यहाँ से लेके आप इधर बैठ के खा सकते हो, ये सीटिंग एरिया है यहाँ पे। इसके अलावा आई थिंक प्लेटफॉर्म उस साइड है अंदर जाके। और यह गया स्टेशन, रेलवे स्टेशन काफ़ी मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ऐसा लगता है कि आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं। सामने एक ट्रेन खड़ी है, अगर आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ अगर हो पाएगा। ओके, ये रही ट्रेन। तो चलो चलते हैं, अभी चेक इन कर लेते हैं उसके बाद अंदर जाके देखते हैं। तो चेक इन कर लिया, चेक इन हो गया हमारा, अब चलते हैं बाहर गाड़ी में। लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कितना मस्त है। ऊपर तो सेंडेलियर लगा रखे हैं उन्होंने, रात को अगर लाइट जलाते होंगे तो रात को कितना मस्त लगता है भाई। ये रही अपनी ट्रेन, शायद ये वाली है, ये वाली चेक करना पड़ेगा। ऐसा कुछ यहाँ से व्यू है ये वाला, और ये प्लेटफॉर्म है। देखिए रही अपनी ट्रेन, और एक ये अभी चेक करना पड़ेगा किस में जाएंगे। काफी हाइट है ट्रेन की, देखिए ना ट्रेन की हाइट काफी है। और ये ट्रेन ना ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब एक एक ट्रेन में 6 डिब्बे हैं, 5 डिब्बे हो गए और एक इंजन हो गए, मतलब टोटल 6 हैं। और बाकी ट्रेन अंदर से काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे इंडिया में 3 सीटर ट्रेन होती है ना, सेम वैसी है, जैसे अपनी दुरंतो है और जन शताब्दी है, सेम वैसी है। बाकी अभी सफ़र शुरू होगा तो फिर आपके साथ सफ़र करेंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। अंदर मैंने देखा एक पेंट्री भी है, मतलब स्मॉल कॉफ़ी शॉप जैसा है, अगर आपको कुछ लेना है चाय कॉफ़ी या कुछ सैंडविच वगैरह तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे डोर भी ऑटोमेटिक है, अभी जैसे मैं अंदर आ गया तो डोर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एक पेंट्री भी दिखा देता हूँ आपको, अच्छा ये आपकी पेंट्री आ गई। चाय कॉफ़ी अगर लेना तो यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ पर बैठने के लिए भी अगर आपको बैठ के खाना है, अगर आपको
अपन सीट के पास ले जाना है तो आप अपनी सीट के पास ले जाके भी आ सकते हैं। अभी 5 मिनट में ट्रेन चलने वाली है तो फिर आपके साथ जर्नी शुरू करते हैं। तो भाई अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो यार मेरे को सीट तो मिली है साइड वाली, विंडो वाली सीट मिली नहीं है कि मैं विंडो से आपको कुछ व्यू दिखा सकता हूँ, तो मैं इधर आ गया हूँ जो डोर है यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मतलब व्यू क्या है, पूरा डेजर्ट है और पेड़ तो मेरे को एक भी नहीं दिखा अभी, तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ऐसा कुछ व्यू है इधर का, बाहर का पूरा रेगिस्तान ही है। और यहाँ पर ना ये पटरी है ना, मेरे को जो इंडिया में रेल ट्रैक है ना वो थोड़े चौड़े हैं, उनकी विड्थ ज़्यादा नहीं है। अभी आधा घंटा हो गया हमें निकले हुए यहाँ से, एक स्टेशन आ गया पहले, पीछे से एक स्टेशन, नाम तो स्टार्बिंग नाम है कुछ, मेरे को उसमें पता भी नहीं है। और एक स्टेशन आई थिंक 1 घंटे बाद है, उसके बाद सीधी दमाम में रुकेगी जाके ट्रेन। बहुत रफ एरिया है, कितना रफ एरिया है और यहाँ ना कोई घर है ना कोई, मतलब बिल्कुल सुनसान जगह है इधर भी। और अगर मैं दूसरी साइड दिखाऊँ, दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको, तो इधर साथ में हाईवे आई थिंक जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये हाईवे है। सऊदी का एरिया ना बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ है सऊदी अरेबिया, मतलब गल्फ में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा एरिया सऊदी अरेबिया के पास है और पॉपुलेशन सबसे कम है, तो इसलिए हर जगह मतलब ये डिजर्ट ज़्यादा है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ना ट्रेन के अंदर, अभी तो मैं डोर के पास खड़ा हूँ इसलिए थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर आप सीट पे बैठते हो ना तो बहुत मतलब बहुत कम आवाज़ आती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और स्पीड भी अच्छी है इसकी, लाइक 150 से ऊपर ही हो गया है, स्पीड मीटर पीछे लगा है। अगर मैं जाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको, टिश्यू पेपर्स और ये आपका पानी के लिए है, यहाँ पे फ्लश के लिए। और इसके अलावा बस छोटा सा है, इसके अलावा इधर मैं हूँ। हेलो, तो ये हो गया ट्रेन का जो टॉयलेट है उसका टूर, और अभी चलते हैं बाहर। हम लास्ट तक देख सकते हो पूरे जॉइंट है, इधर से भी और इधर से भी। इधर इन्होंने बना रखा है इधर प्रे के लिए, यहाँ पे लोग प्रे कर सकते हैं। और इधर है ये हमारी सीट, तो मैं ये बिस्किट साथ में लेके आ गया था, और चलो खाते हैं इसको। सऊदी अरेबिया में ना पैसेंजर ट्रेन मेरे को लग रहा कम है, बहुत कम है, लेकिन जो मालगाड़ी होती है ना अपने इंडिया में मालगाड़ी वगैरह, वो यहाँ पे ज़्यादा है, और जो ऑयल कैरी करती हैं ट्रेन वो ज़्यादा है यहाँ, लेकिन पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे अभी भी कम है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे मेजर सिटीज़ हैं ना सऊदी अरेबिया में सब में ट्रेन नहीं है। जैसे रियाद से अगर मान लो जद्दा जाना है तो जद्दा के लिए यहाँ से ट्रेन नहीं है। ब्लैक, तो मैंने एक
कॉफी ले लिया, 5 रियल, 6 रियल का आया, 6 रियल का ब्लैक कॉफी है इधर लिया है भाई साहब। इससे पहले जो स्टेशन था ना, रियाद से चल के हकूफ में ये भी रुके, बीच में रुकी थी लेकिन वो स्टेशन नहीं था, मैंने सोचा स्टेशन है तो ये अभी स्टेशन है हकूफ, हकूफ नाम है। उसके बाद एक और है, उसका नाम है अबकी, इसके बाद हकूफ है, हकूफ के बाद अबकी आएगा, उसके बाद दम आएगा, मतलब बीच में मैं जैसे मैंने पहले बताया था स्टेशन। ओके थैंक यू भैया। ये जो बाहर बड़े बड़े टैंक दिख रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है गैसोलीन के प्लांट है, गैसोलीन के प्लांट है। गाड़ी रुकी है अभी, आगे हमारा हकूफ स्टेशन, तो अभी चलते हैं बाहर थोड़ा देखते हैं, तो अभी बैग मैं ले लेता हूँ, बैग लेके ऐसा ना हो कि कोई बैग मेरा बैग ही ले जाए। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा है, वो तीन प्लेटफॉर्म है। और ये रही हमारी ट्रेन जिसमें हुआ है अभी, इसके बाद 2 स्टेशन और हैं, आपको उसके बाद एक और, उसके बाद है आपका जमा, चलेंगे अभी 5 मिनट का स्टे, 5 मिनट रुकेगी यहाँ पर, उसके बाद ट्रेन चल करेगी। इधर बाहर सिटी है, सिटी का व्यू दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है, इधर थोड़ा गेट लगाए और इस वजह से दिख नहीं पाएगा, ऐसा है कुछ, पार्किंग है, पार्किंग जो उस साइड में रोड है। एक घंटा रह गया अभी यहाँ पे, टाइम हुआ अभी 2:45 हो गए, 1 घंटा है अभी, 1 घंटा नहीं है अभी, 1.5 घंटा है पहुँचने में, 4:20 पे पहुँचेगी। एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है, गाड़ियों के टायर ना थोड़े छोटे हैं, अपने जो इंडिया में ट्रेन होते हैं ना उनके टायर तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन इनके टायर ये देखें, इनके टायर ना थोड़े छोटे छोटे हैं, लटकाऊँ तो छोटे छोटे हैं टायर, अगर कंपेयर करो इंडिया के ट्रेन के, आवाज़ कम आ रही होगी शायद, क्योंकि अभी इंजन चल रहा है ना, बाहर काफ़ी आवाज़ है। हेलो गाइस, अभी मैं पहुँच गया दमम में। इसके अलावा यार एक सीन हो गया मेरे साथ, एक्चुअली मेरा बैग था, एक लैपटॉप बैग था, उसमें लैपटॉप था, मेरा पासपोर्ट था, सर्टिफिकेट्स थे, एक फ़ोन था, एक टैब था, और भी थोड़ी बहुत एसेसरीज थी, वो मेरा बैग ना गुम हो गया कहीं, तो अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ, मेरे को 1.5 घंटा हो गया इधर, ऑफिस है जो रेलवे वालों का, उधर बैठा था, कंप्लेंट किया, फिर कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने जहाँ पे मैं मतलब बैग गुम हुआ, रियाद से आगे हकूफ एक स्टेशन है, अपने वीडियो में देखा होगा, फिर मेरा वाला बैग मिसिंग था, लेकिन एक एक्स्ट्रा बैग वहाँ पे, तो या तो गलती से कोई ले गया, और या किसी ने जानबूझ के, या तो मतलब अभी क्या बोल सकते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। तो 1.5 घंटा हो गया मेरे को इनके साथ बैठा रहा ऑफिस में, ये पता करते रहे अभी उधर हकूफ रेलवे स्टेशन पर भी, तो अभी तो कुछ पता नहीं चला, और मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दी, और मैनुअली भी इनको एक पेपर दे दिया लिख के, तो उन्होंने बोला कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर कोई गलती से बैग ले गया, क्योंकि एक बैग ऑलरेडी इधर है, वो एक मतलब दवाइयाँ वगैरह हैं उसमें, मैं एक फ़ोटो यहाँ स्क्रीन पर शेयर कर दूँगा। एक्चुअली मेरे ट्रेन का जो मेरी सीट थी ना, उसके पीछे वाले सीट में एक ओल्ड लेडी थी, वो वहाँ से उतरी है, वो बैग लेके, मतलब ये हो सकता है गलती से, अब थोड़ी गेज थी, हो सकता है गलती से उसने अपना बैग वहाँ पे छोड़ के और मेरा बैग ले लिया, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। तो क्योंकि उस टाइम मेरा कैमरा ऑन था, मैं जब वीडियो शूट कर रहा था, तो मेरी वीडियो में कैप्चर हो गया वो लेडी भी, और जो उसकी हेल्प कर रहा था वो भी, और एक बैग भी था उधर, सेम सिमिलर है जैसे मेरा था, वो सेम वैसा ही है। तो अभी देखते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वही मेरा बैग होगा, अगर मैं दुआ करूँगा अभी, मेरे लिए प्रे करो कि मेरा बैग वही हो और वो मिल जाए, अगर वो वापस कर देते हैं स्टेशन पे आके तो वो बैग मुझे मिल जाए, अगर नहीं करते हैं तो फिर मेरा बहुत बहुत के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लैपटॉप तो चलो अभी गए, जाएगा तो जाएगा, उसके अलावा लैपटॉप के अलावा मेरा सबसे मेन है सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, वो नहीं मिले तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो है सब कुछ, मतलब मैं ज़ीरो हूँ। आपके पास अगर चलो पासपोर्ट भी बन जाएगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तो मतलब फिर से यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में जाके निकालना पॉसिबल नहीं है।
चलो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैं जा रहा हूँ, ड्राइवर आ रहा है लेने मेरे को, मैं जा रहा हूँ भाई रूम पे। अभी दिमाग मेरा बहुत सख्त और बहुत ख़राब है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। ये थोड़ा मेरे साथ ट्रेजेडी हुई। अभी देखो कल मैं वेट करूँगा, दुआ करूँगा कि मेरे को कॉल आ जाए मेरा बैठने। तो मैं ब्लॉग को नहीं आगे बनाने वाला, मैंने उसके बाद बनाया जब मेरा बैग गुम हुआ, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं। बस इतना सा था, अभी देखते हैं क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिए।